पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उनका भी जिक्र उन्होंने किया, क्या लगता है यहाँ से एक मैसेज जाएगा जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं? देखिए, भारत एक बड़ा देश है साउथ ईस्ट एशिया में, और ऐसे में भारत का कोई भी कदम समाज के हित में होता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्राचीर से सभी, मतलब जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे देश में हो या विदेश में हो, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके सही रहने के लिए जो मैसेज दिया है वो अवश्य जहाँ निश्चित है वहाँ तक पहुँचेगा। आखिर में समस्करण इस फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दफ्तर में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। सर, क्या कहेंगे? चिराग पासवान जी के साथ आप लोगों ने भी जश्न मनाया 78वां स्वतंत्रता दिवस, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे के पूरे हमारे प्रदेशवासियों, देशवासियों को देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई है। हमें आज याद करने की ज़रूरत है उन लोगों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, और हम लोग जो हैं, हमारी पार्टी के सांसदगण, हमारी पार्टी के नेतागण कैसे अपना योगदान देकर के देश को आगे ले जाने में, युवा शक्ति को सशक्त करने में, महिला शक्ति को सशक्त करके कैसे देश को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उसको याद करने की ज़रूरत है। हमें अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उद्देश्यों को, उनके द्वारा दिए गए प्रेरणाओं को याद करने की ज़रूरत है, और उसी तरह से चिराग पासवान जी उन्हीं के द्वारा किए गए कार्यों को आगे ले जा रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के रूप में उसको हम कैसे और मजबूती से आगे ले जा सकते हैं, ये उन सारे निश्चयों को आज दोहराने का दिन है। और हमारी पार्टी का, हमारे नेताओं का, हमारे सांसदों का प्रदेश के और देश को आगे ले जाने में क्या उनका योगदान हो सकता है, उसको दोहराने की जरूरत है। प्रधानमंत्री भी आज 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से संबोधित किए, उन्होंने महिला हो युवा हो प्रत्येक बिंदु पर बातचीत की उन्होंने। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से महिला शक्ति और युवा शक्ति को और सशक्त करने और देश को आगे ले जाने में उनकी जो भूमिका हो सकती है उसको उन्होंने दोहराया है। आने वाले समय में महिला शक्ति और युवा शक्ति के लिए योजनाएं आएंगी जो देश को पांचवी अर्थव्यवस्था बना करके उसको आगे ले जाने में महिला शक्ति और युवा शक्ति का क्या योगदान हो सकता है, इस बारे में भी आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उनका भी जिक्र उन्होंने किया, क्या लगता है यहाँ से एक मैसेज जाएगा जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं? देखिए, भारत एक बड़ा देश है साउथ ईस्ट एशिया में, और ऐसे में भारत का कोई भी कदम समाज के हित में होता है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्राचीर से सभी, मतलब जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे देश में हो या विदेश में हो, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके सही रहने के लिए जो मैसेज दिया है वो अवश्य जहाँ निश्चित है वहाँ तक पहुँचेगा। आखिर में एक सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना में झंडा फहराया, उन्होंने कहा है कि बिहार में पहले भ्रष्टाचार और परिवारवाद का शासन हुआ करता था, अब ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही कहा है। अगर आप याद करें 90 का दशक, जब बिहार को किसी और नहीं, कोर्ट ने ही कहा था कि वहाँ जंगल आज व्याप्त है, आज पिछले 2005 से जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है तब से हम लोगों को बहुत विकास देखने को मिला है। हर जगह, चाहे वो रोड से गांवों को जोड़ना हो, बिजली से जोड़ना हो, नई परियोजनाएं अब इस बजट में जो मिली है, नई परियोजनाएं, एक्सप्रेसवे जो आएंगी, नए पुल बनेंगे गंगा नदी पे, तो ये बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में जिस तरह से सरकार और हमारी पार्टी, हमारे नेता चिराग पासवान जी, हमारे पार्टी के अन्य सांसद नेतागण जितने भी लोग प्रतिबद्ध हैं बिहार की प्रगति को, विकास को लेकर के, आने वाले वक्त में बिहार को अब और आगे जाते हुए दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोजपा रामविलास के सांसद अरुण भारती, दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।